नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे टाटा हैरियर के ऊपर। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आज की इस गाड़ी की सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, टाटा हैरियर जो है वो मार्केट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। मार्केट में आने से पहले ही वो गाड़ी काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ से कलर ऑप्शन से देखने को मिलते थे, लेकिन वहाँ पे आपको कोई ब्लैक ऑप्शन जो है वो देखने को आपको नहीं मिलती थी वहाँ पे। हालांकि अगर आप कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं तो वो SUV वाली गाड़ियों में ब्लैक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसी वजह से मार्केट में टाटा कहीं पीछे ना रह जाए, उनके प्रोडक्ट हैरियर कहीं पीछे ना रह जाए, तो इसी वजह से टाटा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बहुत ही जल्द मार्केट में टाटा हैरियर की ब्लैक कलर जो एडिशन्स रहेगी वो भी मार्केट में बहुत ही जल्द उतार देगी। और आप अभी वीडियो में इनके पिक्चर्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। ये क्रेडिट जो है वो पूरी तरह से जाती है autocarindia.com को जाती है, तो वहाँ से हमने ये पिक्चर्स जो हैं वो ली हैं। टाटा हैरियर में ब्लैक कलर के एडिशन के बाद ही वहाँ पे आपको मिलती हैं तकरीबन 7 कलर्स। तो वो कलर्स है कैलिस्टो कोपर, थर्मिस्टो गोल्ड, एरियल सिल्वर, टेलिस्टो ग्रे और कस वाइट, ड्यूल टोन वाले एडिशन जो हाल ही में लॉन्च किए हैं टाटा ने। और वहाँ पे अभी मिलती हैं आपको ब्लैक कलर। तो टोटल मिला के आपको मिलती हैं 7 कलर ऑप्शंस नई टाटा हैरियर में। तो अगर आप टाटा हैरियर के ब्लैक वर्जन के ऊपर बात करते हैं, वहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स भी मिलेंगे ब्लैक कलर्स में ही। 17 इंच के आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इंटीरियर भी पूरी तरह से ब्लैक ही रहेगी, ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड हैरियर आती है वहाँ आपको ब्राउन सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। और अगर आप टाटा हैरियर के डैशबोर्ड के बारे में बात करें, जो स्टैंडर्ड आती है वहाँ पर आपको फॉक्स वुड की जो फिनिशिंग वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये ब्लैक कलर वाले हैरियर में वो रिप्लेस कर दी गई है मैट ग्रे कलर के हिसाब से। तो ये अपडेट थी टाटा हैरियर की ब्लैक कलर के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं टाटा हैरियर के सनरूफ के ऊपर। तो आप सभी को मालूम है कि टाटा हैरियर में सनरूफ भी आने वाली है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम पड़ेगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि टाटा हैरियर की सनरूफ भी आपको एज एसेसरीज देखने को मिल जाएगी। तो इस एसेसरी के दाम जो है वो कितनी रहेगी, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में भी बात करेंगे, क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी अगर आप अपनी टाटा हैरियर में सनरूफ फिट करते हैं। तो टाटा हैरियर के सभी ड्राइवर्स में आपको देखने को मिल जाती है सनरूफ। तो इसी वजह से कस्टमर्स भी डिमांड कर रहे थे कि टाटा हैरियर में आपको सनरूफ मिल जाए। तो टाटा ने भी एसेसरी के रूप पे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी है अपनी सनरूफ। अगर आप वो सनरूफ लगाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलती है कॉस्ट जो है वो पेमेंट करने पड़ती है तकरीबन 95,000 के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से तो कम नहीं है। अगर आप ह्यूंडई क्रेटा के भी बारे में बात करें, वहाँ जो सनरूफ वाले वेरियंट आती हैं वो भी स्टैंडर्ड वाली क्रेटा के मुकाबले तकरीबन 1 लाख ज़्यादा वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से टाटा हैरियर की जो सनरूफ वाली प्राइसिंग है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 95,000 वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। आप अपने ओपिनियन बताइए कि आपको सनरूफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप हमारे पर्सनल ओपिनियन मानते हैं तो आपको ये इंस्टॉल नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये प्री इंस्टॉल तो कंपनी इंस्टॉल आपको नहीं मिलती है, आपको डीलर्स जो है वो इंस्टॉल करवा के देगी। ये बहुत बड़ी भी सनरूफ नहीं रहेगी, एक छोटी सी सनरूफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आने वाले कुछ सालों में अगर टाटा हैरियर अपने पैनोरामिक सनरूफ का भी इंट्रोड्यूस करवाती है टाटा हैरियर, तो वो आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगी इस सनरूफ के मुकाबले। तो इसी वजह से हम मानते हैं कि आपको सनरूफ जो है वो 95,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको इंस्टॉल नहीं करवानी चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि सनरूफ के बिना आप गाड़ी चला ही नहीं पाएगी, या फिर सनरूफ आपको बहुत ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवा के देगी। ये सिर्फ आपकी लुक को थोड़ी एनहेंस कर देती हैं और आपकी गाड़ी की इंटीरियर की जो लग्जरीनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इंस्टॉल करवा सकते हैं, इससे गाड़ी की लुक जो है वो काफ़ी एनहेंस हो जाती हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हमारे चैनल पे ऑटोमोबाइल से जुड़ी ऐसे ही हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आपकी इस गाड़ी के ऊपर ओपिनियंस क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।